नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बना रही हूँ काले चने की सब्जी। आप सब लोग जानते हैं कि काले चने वैसे भी कितना फ़ायदा करते हैं, इसलिए मैंने सोचा आज क्यों ना मैं काले चने की सब्जी बनाऊँ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी आपको और बहुत बढ़िया। आप इसको चावल, पराठे, पूड़ी, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए फिर बनाते हैं फटाफट काले चने की सब्जी। देखिए दोस्तों, ये मैंने काले चने लिए थे एक कटोरी, जो एक घंटे पहले गुनगुने पानी में भिगो दिए थे और ये फूल गए हैं। अब इनको मैं फटाफट बनाती हूँ। और देखिए, ये गैस में मैंने कुकर रख दिया। ये चने मैंने धो लिए हैं अच्छी तरह से। अब मैं सारे चने इसमें डाल दूँगी कुकर में। अब मैं इसमें डालूँगी आधी चम्मच नमक और एक चौथाई चम्मच डालूँगी बेकिंग सोडा और एक गिलास इसमें हम डाल देंगे पानी। और इसमें दो सीटी आने तक इसे हम कुक करेंगे। दो सीटी आने पर ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए, दो सीटी आ गई हैं। अब देखते हैं हमारे चने कैसे हुए। चने हमारे सॉफ्ट हो गए हैं हल्के से। अब हम इनको एक बाउल में पलट लेते हैं। देखिए, मैंने दोबारा से ये कुकर धोकर गैस पे रख दिया है और इसमें अब मैं तेल डालूँगी। ये मैंने एक चमचा तेल डाल दिया है इसमें। देखिए, तेल हो गया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हींग। देखिए, हींग हो गया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधी चम्मच जीरा। और देखिए, जीरा हो गया है। जब तक चने हुए थे हमारे, तब तक मैंने ये प्याज दो काट ली थी, ये इसमें डाल दूँगी अब। और तब तक इसे भुनेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाएगा प्याज का। और देखिए, जब तक प्याज हो रही है, मैंने ये दो टमाटर काट लिए हैं और ये चार हरी मिर्च ले ली हैं, ये भी मैं इस टमाटर में डाल दूँगी और इन सब की मैं प्यूरी बनाऊँगी। और इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी ये काली मिर्च और लौंग डालूंगी, इसमें बड़ी इलायची और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाऊंगी। देखिए, हमारी प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसके बाद ये टमाटर की ग्रेवी जो बनाई थी, ये इसमें डाल देंगे और इसे भी दो तीन मिनट तक हम अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए, प्याज टमाटर हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसके बाद इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी धनिया पाउडर दो चम्मच, आधी चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार डालिए लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अनुसार डालिए इसमें नमक और एक चौथाई चम्मच डालूंगी कश्मीरी मिर्च पाउडर और इसमें दो तीन चम्मच पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। और जब तक मसाले तेल नहीं छोड़ देंगे तब तक इसे चलाएंगे। देखिए, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चने अपने। और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, इसके बाद मैंने ये दो आलू काट लिए थे बहुत छोटे छोटे, इनको इसमें डाल दूंगी। और इसमें एक गिलास डालूंगी मैं पानी। और पांच सीटी इसमें लगाऊंगी। देखिए, पांच सीटी आ गई है। देखते हैं हमारी सब्जी कैसी हुई। देखिए, हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब हम इसे करते हैं सर्व। देखिए, इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा डालूंगी हरा धनिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिएगा। आप पास में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए, मिलते हैं नई रेसिपी पर। तब तक के लिए नमस्कार।